डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। लगातार डी थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। यह तीसरा खुलासा है जब पुलिस ने इसी क्षेत्र में चोरी को अंजाम देने वाले चोरों को माल के साथ पकड़ा। यह सभी चोर प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि दो दिन पहले हुए खुलासे में भी जो चोर पकड़े गए थे वह भी प्रतापगढ़ के ही रहने वाले थे। पकड़े गए चोर रामू प्रेमचंद, जमीन और अरबाज, यह सभी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। इनके पास से चोरी में प्रयोग की जाने वाली बोलरो व चार तमंचे, चोरी किए गए आभूषण सहित बरामद किए गए हैं। यह चोर एक दिन में लगातार कई चोरियों को अंजाम देते थे और कभी कभी तमंचे से फायर भी करते थे। पुलिस ने इन चोरों को आर्म्स एक्ट और चोरी की धाराओं में जेल भेज दिया है। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। आरोपी पकड़े गए, कितना माल बरामद हुआ, किस तरह से लोग जो है घटना को अंजाम? पुलिस अधीक्षक रायबरेली महोदय के लगातार दिनों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में ये दुर्वर्ग थाना डी की पुलिस ने किया है। 8 मार्च 2021 को एक बड़ी चोरी थाना डी में हुई थी। उस चोरी के पीछे हमारे इंस्पेक्टर थी और उनकी पूरी टीम पूरी ताकत से जुटी और उसके बाद उन्होंने कल उसका खुलासा किया है। उस खुलासे में चार लोगों को पकड़ा है, जिनके नाम जो है वो रामू, समीर, प्रेमचंद और अरबाज हैं, और ये सभी के सभी जो है वो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। और प्रतापगढ़ का जो नज़दीकी थाना है संग्रामगढ़ और उदयपुर, वहाँ के लोग रहने वाले हैं। इनकी जो अपराध करने का तरीका था उसमें ये इनके पास एक बोलेरो पिकअप है जिसमें ये चारों लोग सवार के आते हैं और चोरी करते हैं, सामान लाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर चोरी करते हैं। इस तरह से वो एक एक रात में कई चोरियां करते हैं और इस चोरी के खुलासे के दौरान इनके पास जो चोरी गया हुआ सामान था, पैसा था, वो सभी बरामद हुआ है। और इसके बाद इनके पास तमंचे भी थे और ये मौके पर फायर भी कर दिया करते थे। इस तरह से ये एक बड़ा गैंग था, इसका खुलासा भी पुलिस ने किया है। और इनके पास से जो सामान बरामद हुआ है उसमें इनके पास से जो है वो चार जो है वो तमंचे हैं और एक बोलेरो है जिससे वो चोरी करते थे, और 40,000 रुपये नकद है और दो चांदी की चेनें हैं और 3,000 मोबाइल हैं। कुछ जेवर इन्होंने बेच भी दिया था, उसको भी जो है रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस तरह से ये एक अच्छा गुटबर्ग है, उसमें पुलिस अधीक्षक रायबरेली की तरफ से इस पूरी टीम को 10,000 रुपये का इनाम। सर, तमंचे जो बरामद हुए वो कहाँ से लाए थे, उसके बारे में जानकारी? इस तमंचे के बाद ये जो बताया गया है कि इन्होंने जो पूछताछ में बताया कि ये तमंचे इन्होंने प्रतापगढ़ के तरफ से कहीं से लिए थे और कुछ नाम उसमें भी प्रकाश में आए हैं, इसमें आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।